स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, दीपदान एकांकी का कथानक अथवा कथावस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। और इस प्रश्न के लिए 5 नंबर आपको मिलते हैं। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से यानी वर्ष 2022 में जो आपकी सालाना यानी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको दीपदान एकांकी का कथानक अथवा कथावस्तु आनी चाहिए यानी आपको याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको दीपदान एकांकी का कथानक अथवा कथावस्तु बताऊंगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मैं आपको बता दूं कि दीपदान एकांकी की कथावस्तु अथवा कथानक आप कैसे लिखेंगे। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। इसकी कथावस्तु संक्षेप में निम्नवत है। दीपदान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। आपको ध्यान रखना है कि दीपदान किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की ऐतिहासिक एकांकी है। क्या है, किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की रचना है, आप ध्यान दीजिएगा। और क्या हो जाएगी कथावस्तु कि दीपदान एकांकी की कथावस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहाँ की? चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जिसमें राजपूतों के त्याग बलिदान का इतिहास चित्रित हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनबीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। जब महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो गई तो उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का जो दासी पुत्र था यानी पृथ्वी सिंह की जो दासी थी और उस दासी का पुत्र जिसका नाम क्या था, बनबीर, वह चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। और अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने पहले तो सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए बनबीर ने सोते समय विक्रमादित्य की हत्या कर दी और फिर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए मयूर पक्ष कुंड में असमय ही दीपदान उत्सव का आयोजन किया। फिर उसने क्या किया कि कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए मयूर पक्ष में असमय यानी समय नहीं था दीपदान उत्सव का आयोजन करने का। उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है और वही चित्तौड़ राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी भी है, इसलिए बनबीर अपने रास्ते के इस कांटे को दूर हटाना चाहता है। उदय सिंह किसका पुत्र है? राणा सांगा का पुत्र है और वही चित्तौड़ राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी भी है, इसलिए बनबीर क्या चाहता है कि अपने रास्ते के इस कांटे को दूर हटा दिया जाए यानी उदय सिंह की हत्या कर दी जाए और इस तरीके से मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा और मैं क्या बन जाऊंगा, इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। यह बनवीर की इच्छा है। और कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका पन्ना धाय, कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका कौन है? पन्ना धाय बनबीर के इस षड्यंत्र को भांप जाते हैं। वह बनबीर के इस षड्यंत्र को भांप जाते हैं और उदय सिंह को दीपदान उत्सव में नहीं जाने देती। उदय सिंह जब कहता है कि मुझे उत्सव में जाना है तो पन्ना धाय उसे उत्सव में नहीं जाने देती। कुंवर उदय सिंह दीपदान उत्सव में जाने की जिद करते हैं। कुंवर उदय सिंह दीपदान के उत्सव में जाने के लिए जिद करते हैं और अंततः रूठ कर सो जाते हैं। और अंततः क्या होता है कि रूठ कर सो जाते हैं और सोना नामक नर्तकी उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आती है। सोना नामक नर्तकी उदय सिंह को ले जाने के लिए आती है किंतु पन्ना उसको फटकार कर भगा देती हैं। किंतु पन्ना धाय उसे फटकार कर भगा देती हैं और वह सोना से साफ साफ कहती हैं, क्या कहती हैं, चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है,
चित्तौड़ कैसी भूमि है? राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहां आग की लपटे नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहां आग की लपटे नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। इसके बाद पन्ना का पुत्र चंदन आता है। इसके बाद क्या होता है कि पन्ना धाय का पुत्र चंदन आता है और पन्ना उदय सिंह को वहां से बाहर भेजने की योजना तैयार करती है और अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। पन्ना धाय क्या करती है कि उदय सिंह को बाहर भेजने के लिए योजना बनाती है और अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। उदय सिंह को कीरत बारी की झूठी पत्तलों की टोकरी में छिपाकर किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। उदय सिंह को कीरत बारी की झूठी पत्तलों की टोकरी में छिपा करके किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। कुछ देर बाद बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर उदय सिंह के कमरे में आता है। वह पन्ना को जागीर का प्रलोभन देता है, पर पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती हैं और बनवीर को फटकारती हैं। तब क्रोधित बनवीर उदय के धोखे में चंदन को पन्ना की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार देता है। कुछ देर बाद क्या होता है कि बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर के उदय सिंह के कमरे में आता है और वह पन्ना धाय को जागीर का प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, बहुत सारी जागीर दूंगा और तुम मुझे उदय सिंह को दे दो। पर पन्ना क्या करती है, यानी पन्ना धाय अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती, वह अपने कर्तव्य पर अटल बनी रहती हैं और बनवीर को फटकारती हैं। तब बनवीर क्रोधित हो जाता है और उदय सिंह के धोखे में चंदन को पन्ना की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार देता है। तब उदय सिंह क्या करता है कि जो सोया हुआ था वह चंदन था, लेकिन वह जान नहीं पाता है कि यह चंदन है कि उदय सिंह है, क्योंकि उसे चादर उड़ाई गई थी और वह उदय सिंह के धोखे में आकर चंदन जो कि पन्ना धाय का पुत्र है उसे पन्ना धाय के सामने ही मौत के घाट उतार देता है। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग बलिदान के साथ ही एकांकी का कथानक समाप्त हो जाता है। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना धाय के अपूर्व त्याग, जिन्होंने अपने कर्तव्य और चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का भी बलिदान कर दिया, अर्थात अपने पुत्र के प्राणों की भी चिंता न की, ऐसी पन्ना धाय को बार बार इतिहास में याद किया जाएगा और इसी बलिदान के बाद एकांकी का कथानक समाप्त हो जाता है। बड़ी ही मार्मिक एकांकी है। यदि आप इस एकांकी को बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका हृदय भी एक बार भाव विह्वल हो जाएगा, अर्थात दुखी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, ऐतिहासिक कहानी दीपदान का कथानक अथवा कथावस्तु। बिल्कुल आसान है और आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद।